बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं कामरान हैदर कुरैशी। आज हम अपना फिजिक्स का लेसन शुरू करने वाले हैं। टेंथ फिजिक्स का पहला लेसन हमारा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और साथ हम उसकी एक एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँगा सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है। दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तो आपने स्टडी किया होगा वाइब्रेटरी मोशन के बारे में। व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? इन विच अ बॉडी वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ठीक है, हम स्टडी करेंगे। दोबारा आपको मैं बताता चलूंगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन ये होगी, बेसिकली अ मोशन इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली टूवर्ड्स इट्स इन विच एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मेन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम या मेन पोजीशन। तो यहाँ पे हम इसे एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि सपोज करें हमारे पास जो एप्लीकेशन है दैट इज मास स्प्रिंग सिस्टम। कि ये हमें स्टडी करना है मास स्प्रिंग सिस्टम। हाउ डज अ मास स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक मास है दैट इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग and whole system is lying on a frictionless surface. तो यहाँ पे F is equal to zero mean कि यहाँ पे कोई भी external force यहाँ पे हमने apply नहीं की हुई। तो body अपनी mean और equilibrium position पे होगा। जब हम इसके ऊपर extreme position, जब हम इसके ऊपर force लगाएंगे, यहाँ पे हमने apply कर दिया इसके ऊपर external force, some external agent is applied. जब external force apply करेंगे तो ये mass होगा mean position से move करेगा towards its extreme position. तो जब हम इसको रिलीज करेंगे तो यहाँ पे रिलीज करेंगे, जब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स ये बॉडी मूव करेगा टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव करेंगे तो जो बॉडी होगा दैट विल मूव टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। तो ये है इसी की थ्योरी होगी कि आपने करना क्या है कि हमने ये करना है कि अ बॉडी व्हेन अ मास इज एट मेन पोजीशन देन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। व्हेन सम एक्सटर्नल एजेंट और फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी द बॉडी मूव्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। ऑन रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी मूव्स टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन बिकॉज ऑफ सम रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये आप देख लेंगे कि हमें हुक्स ने हमें ये बताया था, फ्रॉम हुक्स लॉ हुक्स ने ये कहा था कि सिंपल सी एक बात है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सटेंशन। नाउ व्हाट इज एक्स? एक्स इज एक्सटेंशन इन द सिस्टम, स्प्रिंग सिस्टम दैट इज। अब आप ये देखेंगे कि F external is directly proportional to x. तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब इस साइन को हम रिमूव करते हैं इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के एक्स। जब हम एक्सटर्नल फोर्स, ये व्हाट इज के? नाउ के इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। तो यहां से हम स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को रिमूव डिराइव कर सकते हैं कि के इज इक्वल टू F external by x. Now what is spring constant? Spring constant is the ratio of, spring constant is basically a ratio to external force to the extension in the spring. ये हमारे पास आ जाएगी spring constant की definition. It is the ratio of external force to the extension in the spring. इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होगी इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, बिकॉज जो भी रिस्टोरिंग फोर्स होगी दैट विल एक्ट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो अप्लाइड फोर्स के नेगेटिव के अकॉर्डिंग एक्ट करेगी। Then we can say that F restoring is equal to minus Kx. So
तो एक चीज हमने नाइन्थ ग्रेड में स्टडी की थी न्यूटन्स लॉज में से एफ इक्वल्स टू एम ए, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स। सो बेसिकली हमने इसमें स्टडी ये करना है कि एक्सेलरेशन के बारे में हमने बताया था जब हम उसकी डेफिनेशन एक्सेप्ट कर रहे थे, इज इक्वल टू माइनस के अवर एम इंटू एक्स, वेर माइनस के अवर एम इज अ कांस्टेंट। और तो यहां पे हम लिखेंगे a इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट इनटू x और a इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x। नाउ यू कैन स्टडी द डेफिनेशन और यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द मोशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। तो अगर हम इसका फाइंड करना चाहे टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बेसिकली जो होगा हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए जितना टाइम भी लगेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन या किसी भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट को एक सेकंड में जितना भी एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हम डिराइव कर सकते हैं सिंपल मैथ का टू स्प्रिंग होगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ मैथ अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। दिस इज ऑल अबाउट आवर लेसन टू द टॉपिक।